महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इस बाइक रैली को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत, तौसीफ शेख, बंटी शेलके मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान तौसीफ शेख बोले कि 28 तारीख को कांग्रेस अपना 138वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। उससे पहले आज ये बेरोजगार युवकों की रैली निकाली है। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे कुणाल दादा राउत और हमारे नेशनल के इंचार्ज उदय भानो जी, एहसान जी, चिंटू जी, आकाश जी, ये सबके माध्यम से 28 तारीख को जो इतना स्थापना दिवस जो हमारा मनाया जा रहा है, उसके लिए एक मैसेज पूरे शहर में कि युवा, ये बेरोजगार युवा है, ये सारे रोडों पे आने वाले, उसके लिए मैसेज के लिए हम लोग सब ये बाइक रैली निकाले हमारे कुणाल दादा राउत के मार्गदर्शन में, बंटी शेलके जी के मार्गदर्शन में। आने वाले 28 दिसंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस पक्ष द्वारा है तैयार हम एक महा रैली का आयोजन किया गया है और उसी के प्रचार के रूप में आज नागपुर शहर हमारे तौसीफ भाई के अध्यक्षता में ये एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इसको फ्लैग ऑफ करने के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और हमारे प्रभारी उदय भानु जी, एहसान खान जी, हमारे उपाध्यक्ष शिवराज मोरे जी, सोन लक्ष्मी जी आज यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और ये कार्यक्रम का फ्लैग होस्ट करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए भव्य सभा का आयोजन किया गया है, जिससे पहले आज शहर में युवक कांग्रेस की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया है। 28 दिसंबर को कांग्रेस जो है अपना स्थापना दिवस मना रही है। बड़ी सभा यहाँ रैली होने वाली है, सभा होने वाली है, उससे पहले जो है हम देख रहे हैं भव्य ऐसी बाइक रैली जो है निकाली जा रही है। क्या बताओगे? ये बेरोजगार जो युवक है, ये बेरोजगार युवक खोदेंगे कब्र 28 दिसंबर। जैसे नागपुर भूमि जो है कहा जाता है आरएसएस की भूमि है, संघ भूमि है, ऐसा कहा जाता है, वहाँ ये शक्ति प्रदर्शन कहला सकते हैं। रहते जी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की ये भूमि है, संत ताजुद्दीन बाबा की ये भूमि है, बोधिसत्व परम जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लाखों अनुयायियों के साथ में यहाँ पर जो दीक्षा दी थी ये उनकी भूमि है, ये संघ भूमि नहीं है, ये संघ की भूमि नहीं है, ये बोधिसत्व परम जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, संत ताजुद्दीन बाबा की, रहते जी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज की और शहीद आजम भगत सिंह जी की, बिरसा मुंडा जी की, कोलबा स्वामी जी की ये भूमि है। और ये भूमि जो है आने वाले 28 दिसंबर को 138वां महाधिवेशन जो कांग्रेस पार्टी का जो है खड़गे जी के मार्गदर्शन में और राहुल जी के नेतृत्व में ये जो अधिवेशन जो उमरेड रोड पे होने वाला है, ये अधिवेशन क्या है, चुनाव जो है चुनाव सेकेंडरी पार्ट है, ये आदिवासी महिलाओं की कही है, प्रताड़ित महिलाओं की कही है, बेरोजगार युवाओं की कही है, या चारों स्तंभ ये जो बिके हुए कहीं ना कहीं पर चारों स्तंभ ये वापस लाने के लिए ये महाधिवेशन जो है राहुल जी गांधी इनके नेतृत्व में होने वाला है। जिस प्रकार से आज बेरोजगार युवा आज प्रताड़ित है, ये बेरोजगार युवाओं के नेतृत्व में निकले वाली ये बाइक रैली है, ये जन जागृति है। ये जन जागृति किस लिए है? आज जिस प्रकार से आज नागपुर शहर युवा कांग्रेस के माध्यम से 12 दिन विधानसभा का घेराव, 12 दिन जो विधानसभा विधिमंडल जो चला हुआ था, ये 12 दिनों में से 7 बार विधानसभा का घेराव अगर किसी ने किया होगा तो ये नागपुर युवा कांग्रेस के सभी सम्माननीय कार्यकर्ता पदाधिकारी ने किया था। और ये किसके लिए मांग थी? ये सफाई कर्मचारी, प्रताड़ित सफाई कर्मचारी, उनके लिए दिव्यांग भाई 3,367 करोड़ रुपए का जो नागपुर महानगर पालिका का बजट है, 5% निधि निधि ये आरक्षित रहती है दिव्यांग भाइयों के लिए, अपंगों के लिए, जिनको बेचारा बोलना नहीं आता, जिनको सुनाई नहीं आता, जो चल नहीं सकते, उनके भी पैसे 2,400 करोड़ रुपए खाने का अगर काम अगर किसी ने किया होगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा ना नारा देने वाले नरेंद्र मोदी जी, इनके शिष्य जो है देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने महानगर पालिका का दिव्यांग भाइयों का पैसा खाया हुआ है। कितना पैसा? 2,400 करोड़। कितने साल में? 16 साल में। तो ऐसे प्रताड़ित करने वाले हमारे दिव्यांग भाइयों की ये लड़ाई है, प्रताड़ित हुए महिला भगिनी इनकी ये लड़ाई है, बेरोजगार युवाओं की लड़ाई है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले थे, ये तो ठीक है, ये तो जुमले थे, ये खुद ही अपने मुंह से उन्होंने कह दिया है जुमले है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये सभी वर्गों को साथ में लेकर आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि तैयार है हम। प्रताड़ित और जो दीन प्रताड़ितों के लिए जन जागृति है ये, और आज ये साथ ही उन्होंने ये भी कहा है ये संघ भूमि नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी दीक्षा भूमि है और यहाँ से आज एक जन जागृति का संदेश लेकर ये रैली निकाली गई है, ऐसा बंटी शेख के द्वारा कहा गया। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं क्षितिज देशमुख, BCN News नागपुर।